आइसक्रीम, ये गेम तो आप लोगों ने खेला ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि इस गेम का नाम आइसक्रीम नहीं बल्कि आइस स्क्रीम है। एक ऐसा गेम जहां पर रोड करता है मोटे मोटे बच्चों को किडनैप। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर रोड बच्चों को किडनैप करता ही क्यों है? मतलब एक आइसक्रीम बेचने वाला बंदा अपने ही कस्टमर्स को क्यों किडनैप कर लेता है, और कैसे उसके मास्क में ऐसी पावर्स हैं कि वो किसी को भी जमा कर बर्फ बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आइस स्क्रीम के वो सारे राज जो आप जानना चाहते हो, जानेंगे रोड की पूरी कहानी और उसका इविल नन के साथ क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि भाई गेम खेलने से ज्यादा मजा वीडियो को देखने में आएगा, गारंटी देता हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये कहानी है मिस्टर रोड और उसके पिता की, जिनका नाम था जोसेफ सुलिवन। जोसेफ घर में आइसक्रीम बनाया करते थे और खुद जाकर उसे बेचा करते थे। मतलब उनका छोटा सा धंधा था, ऐसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, लेकिन उनकी आइसक्रीम इतनी ज्यादा टेस्टी होती थी कि भाई वो पूरे टाउन में बहुत ज्यादा फेमस थे। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि रोड के फादर के अलावा बच्चे किसी और की आइसक्रीम खरीदते तक नहीं थे। उनकी इस छोटी सी आइसक्रीम कंपनी का नाम था फ्रॉस्टी एंड व्हील्स, और उनकी इस आइसक्रीम के होने के पीछे थी उनकी सीक्रेट रेसिपी, जो रोड के पिता को उसकी मम्मी से मिली थी, और उसकी मम्मी थी इविल नन सिस्टर मेडलिन। तो जैसे जैसे मिस्टर रोड के पापा की आइसक्रीम फेमस हो रही थी, बाकी आइसक्रीम बेचने वाले लोग उनसे जलने लगे थे, और उन्होंने मिलकर प्लान बनाया मिस्टर रोड के फादर जोसेफ को रास्ते से हटाने का, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत ट्राई किया कि उन्हें किसी तरीके से वो सीक्रेट रेसिपी पता चल जाए, लेकिन वो थी इविल नन की सीक्रेट रेसिपी, तो भाई किसी को भी ऐसे ही थोड़ी पता चल जाएगी। तो बाकी आइसक्रीम बेचने वालों ने बनाया एक प्लान, और रोड के फादर को एक कार एक्सीडेंट में मार डाला। ये प्लान इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी इसमें नहीं फंसा, ये एक कार एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, जबकि रियलिटी में ये एक प्लान्ड मर्डर था। ये तो कहानी का सैड पार्ट, जहां पर रोड के पिता हो गए डेड, वेरी सैड। लेकिन साथ ही साथ उसकी मम्मी ने भी उसको नहीं पाला। इविल नन ने रोड को शुरुआत के 4 साल पाला, उसके बाद वो चर्च में ही रह गई और रोड को उसके पिता के हवाले कर दिया। अब चूंकि ना पापा थे ना मम्मी थी, रोड था छोटा सा बच्चा, तो वो एक रेस्टोरेंट में काम करके अपना घर चलाने लगा। घर क्या चलाने लगा, अपना पेट पालने लगा। लेकिन उसकी मॉम लगातार उसको लेटर लिखती थी, उसका हालचाल जरूर पूछती थी, और जब वो 25 साल का हो गया, तब उसकी माँ इविल नन ने उसको लेटर के साथ एक सीक्रेट बुक भेजी, जिसमें थी वो रेसिपी जिससे वो बना सकता था दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम। क्योंकि उसकी मां ने उसे जो किताब भेजी थी, उसमें सीक्रेट रेसिपी के साथ बहुत सारे ब्लैक मैजिक के एक्सपेरिमेंट्स भी लिखे हुए थे, जिन्हें करना रोड के लिए बहुत जरूरी था। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, आखिर क्यों रोड बच्चों को किडनैप करता है, खासकर मोटे बच्चों को। तो बात यह है कि जब वो अपने पापा के साथ रहता था, तो वो खूब आइसक्रीम खाता था, और उसके पापा की सीक्रेट रेसिपी की वजह से जो भी उनकी आइसक्रीम खाता था वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता था, और इसी चक्कर में भाई रोड भी हो गया था मोटा, और स्कूल में उसको बुली किया जाता था, उसको बाकी बच्चे परेशान करते थे, और रोड ऐसा सोचता था कि काश इस दुनिया के सारे बच्चे मोटे हो जाएं, ताकि कोई भी उसे मोटा मोटा कह के ना चढ़ाए। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब खुद डाइटिंग करके पतले होने की बजाय वो सोचता था कि सब लोग ही मोटे हो जाएं। What a great solution! अब उसकी मम्मी ने उसे जो किताब भेजी थी, उसमें वो जो एक्सपेरिमेंट करता था, उसके लिए उसे चाहिए पड़ते थे बच्चे। तो भैया रोड क्या करता था, बच्चों को किडनैप करता था, उनको खिला खिला के करता था मोटा, और उसके बाद उनके ऊपर करता था एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट और बदला का बदला। तो भैया बच्चों को किडनैप करने के लिए उसने खरीदी ओमनी वैन, बिकॉज ओमनी वैन इज द बेस्ट व्हीकल फॉर किडनैपिंग, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ओमनी। तो भैया उसके पापा जब आइसक्रीम बेचने जाया करते थे, तो वो एक ऐसा मास्क पहनते थे, और मुझे यकीन नहीं आता ऐसा डरावना मास्क पहनने वाले से कौन ही आइसक्रीम खरीदेगा। लेकिन फिलहाल तो ये एक गेम है, इसलिए भैया उस मास्क को पहनकर अब ये बंदा मतलब रोड निकलता है आइसक्रीम बेचने, और वो आइसक्रीम वगैरह तो नहीं बेचता, लेकिन बच्चों की आइसक्रीम बना देता है अपनी सुपर पावर से जो उसे उसकी माँ से मिली है, और उसके बाद वो बच्चों को लाकर कर देता है कैद और करता है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स। तो इस गेम के टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं। शुरुआत में तो आइसक्रीम बनती थी केवल घर के अंदर, लेकिन अब है रोड की एक बहुत बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री, जिसमें मिनी रोबोट्स जैसे रोबोट्स काम करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इविल नन इतनी ही पावरफुल थी,
तो उसने अपने पति को मरने ही क्यों दिया, या फिर उसने अपने पति को मरने के बाद फिर से जिंदा क्यों नहीं किया? तो इस बात का जवाब यह है कि ईविल नन और उसका हस्बैंड ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि रोड के फादर जोसेफ ने ईविल नन से वो रेसिपी चुराई थी। मतलब वो चिंदी चोर था भाई, अपनी ही बीवी की रेसिपी है, मांग लेते प्यार से लेकिन नहीं, चुरा ली। तो ईविल नन का दिमाग खराब हुआ तो उसने जोसेफ को फिर से जिंदा नहीं किया। अब बात आती है कि अगर दूसरे आइसक्रीम बेचने वालों ने रोड को क्यों नहीं मारा, क्योंकि भाई रोड के फादर आइसक्रीम सीरियसली बेचा करते थे, लेकिन रोड को आइसक्रीम बेचने से ऐसा कोई खास मतलब नहीं था। उसके पास भले सीक्रेट रेसिपी थी लेकिन उसका मेन फोकस तो बच्चे किडनैप करने पर था, और साथ ही साथ उसके ऊपर था माँ का आशीर्वाद। मतलब ईविल नन की पावर्स की वजह से बाकी लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, रोड के फादर जो थे वो दिल के बुरे नहीं थे, बस चिंदी चोर थे लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। लेकिन इस जालिम दुनिया ने उनको निपटा दिया, जिसका बदला अब रोड लेता है सारे बच्चों को किडनैप करके। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको ये पूरी स्टोरी बता दी और आपको देखने में मजा भी आया होगा। और जब बात आइसक्रीम की चली रही है तो आपने बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई होंगी, लेकिन अगर आपने ये वाली आइसक्रीम खाई है तो योर चाइल्डहुड वॉज ऑसम। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ईविल नन और ग्रैनी वाले गेम की भी आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, बस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है गौरव कटारे एक्स्ट्रा ग्रैनी या गौरव कटारे एक्स्ट्रा ईविल नन, वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो यार बस मैं भी चलता हूं, मेरे घर के बाहर आइसक्रीम वाला आ गया है। ओ भैया रुकना, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।